हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? फाइन, वेलकम टू डोंट टॉक वंस अगेन। तो ये वीडियो है ड्रोन लवर्स के लिए, कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मेरे से पूछा जा रहा था बार बार। मैं बता भी चुका हूँ कई बार, बट मैं सोचा कि एक वीडियो इस पर बना दी जाए कि लाइसेंस अब 2020 में रेगुलेशंस के हिसाब से ड्रोन लाइसेंस किस किस को चाहिए। आपके पास मैविक एयर है, फैंटम है, आप वेडिंग में ड्रोन उड़ाते हैं, आपको लाइसेंस चाहिए या नहीं चाहिए? तो इस बारे में किसको लाइसेंस चाहिए, किसको नहीं चाहिए, उसके बारे में सारी चर्चा की जाएगी और आपको पता लग जाएगा एट द एंड कि आपको ड्रोन लाइसेंस चाहिए या नहीं। उससे पहले, ड्रोन लाइसेंस के बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कैटेगरीज के बारे में। इस पर वीडियो मेरा बन चुका है, पुराने वीडियो भी मैंने बनाया है। कैटेगरीज, जब से ड्रोन रेगुलेशन इंडिया में आई हैं तब से कैटेगरीज वैसे ही रही हैं, वो चेंज नहीं हुई है। कैटेगरीज क्या है, डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू वेट। तो मैं बेसिकली जो ड्रोन्स हम यूज़ करते हैं उसी की कैटेगरी की ज़्यादा बात करूँगा। तो एक ड्रोन है नैनो ड्रोन जो 250 ग्राम से कम है, उसमें टॉयज आ जाते हैं, मिनी आ जाता है, मिनी टू आ जाता है। जितने भी 250 ग्राम से नीचे वाले ड्रोन्स हैं वो नैनो ड्रोन्स में आते हैं। अब नैनो ड्रोन्स को कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, ना ही उसमें रजिस्ट्रेशन चाहिए, और यही कारण है कि उसकी लिमिट अब इंडिया में 15 मीटर तक कर दी है। मैंने वीडियो बनाया था पहले, आप देख सकते हैं, कार्ड्स पे होगा। तो ये तो होगी नैनो ड्रोन की बात, मिनी तक, DJI मिनी और टेलो, सारे खिलौने वाले ड्रोन। इसमें लाइसेंस भी नहीं चाहिए, रजिस्ट्रेशन भी नहीं चाहिए। रजिस्ट्रेशन पे भी अगर आप वीडियो चाहते हैं अलग से बनाऊं एक्सप्लेन करके, तो कमेंट्स में अभी लिखें। तो इसको ना रजिस्टर चाहिए ना लाइसेंस। अब आते हैं माइक्रो कैटेगरी, वही हमारी कैटेगरी है मेन, जिसमें मैक्सिमम ड्रोन आ जाते हैं। तो वो है 250 ग्राम से ऊपर से लेके अप टू 1 kg तक अप्रॉक्सीमेटली। तो इसमें हमारा आ जाता है फैंटम भी आ जाते हैं, हमारा मैविक एयर टू, मैविक प्रो, जितने भी पॉपुलर ड्रोन है DJI के और जो एक्चुअल में प्रोफेशनली यूज कर किए जाते हैं, फैंटम वगैरह यूज होते हैं, ये सभी इसी कैटेगरी में आते हैं, माइक्रो कैटेगरी में। तो इसके लिए अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, पर्सनल यूज़ का मतलब है कि मैं यूट्यूबर हूँ, मैं कहीं गया, मुझे ड्रोन शॉट्स चाहिए, तो वो मेरा पर्सनल यूज़ है, राइट। और किसी भी पर्पज़ के लिए, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, वैसे ही मुझे पसंद है एरियल फोटोग्राफी या एरियल वीडियोग्राफी लेना, तो वो पर्सनल यूज़ होता है, उस चीज़ के लिए आपको लाइसेंस नहीं चाहिए। आपके पास अगर माइक्रो कैटेगरी का ड्रोन है चाहे नैनो का है, तो हम बात अब माइक्रो की कर रहे हैं, तो माइक्रो में आपको इन चीज़ों के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप एक फ्रीलांसर बन जाते हैं कि मैं एक फ्रीलांसर हूं, मेरे पास मैविक प्रो है या फैंटम है, तो मेरी एक सर्विस है, अगर किसी बिल्डर को सर्वे करवाना है ड्रोन से तो वो मेरे सर्विस ले सकता है। किसी जगह मतलब प्रोफेशनली आप अपने आप को बता रहे हैं कि मैं एक फ्रीलांसर हूं, तो वेडिंग फोटोग्राफर्स भी इसके अंदर आते हैं। ध्यान दें कि आपने शादी पे ड्रोन फुटेज लेनी है, तो मैं ट्रेंड वीडियोग्राफर, ड्रोन वीडियोग्राफर हूँ, एरियल सिनेमाटोग्राफर हूँ, आप मेरे से सर्विस ले सकते हैं। जब आप इस कैटेगरी में आते हैं, इसका मतलब आप उसको पर्सनली नहीं, प्रोफेशनली यूज़ कर रहे हैं। प्रोफेशनल यूज़ के लिए माइक्रो कैटेगरी के ड्रोन को भी लाइसेंस चाहिए। अब फ्रीलांसिंग तो बात होगी बिजनेस की, जो आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, राइट। और नंबर दो, जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जॉब्स भी निकलने वाली है, इसमें वीडियो बनाया था, तो उसमें भी आपको ड्रोन लाइसेंस की ज़रूरत है। विदाउट ड्रोन लाइसेंस आपको कोई ड्रोन की जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। और फ्रीलांसिंग में जब आप प्रोफेशनली यूज़ कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस आपके पास ड्रोन उड़ाने का लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप शादी पे उड़ा रहे हैं तो आपके पास वो लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि पुलिस वाले आपसे पूछ सकते हैं आपके पास लाइसेंस है, आप शादी पे ड्रोन उड़ा रहे हैं, पहली बात तो पूछेंगे परमिशन ली आपने, वो तो साइड पे करो बाद, उसके बाद पूछेंगे आपके पास लाइसेंस है, आप कैसे बताएंगे कि आई एम ट्रेंड वीडियोग्राफर, मैं भीड़ भाड़ में ड्रोन उड़ा सकता हूँ, व्हाट इज द प्रूफ? तो प्रूफ, जब आप प्रोफेशनली उड़ा रहे हैं तो प्रूफ आपका लाइसेंस है। तो उस कैटेगरी में, उस सिचुएशन में आपके पास अगर माइक्रो कैटेगरी का ड्रोन भी है तो आपको लाइसेंस चाहिए। अब तीसरी कैटेगरी आती है बिल्कुल इंडस्ट्री ड्रोन्स की, जो 1 kg से ऊपर हैं, उन्हें
स्मॉल ड्रोन्स कहा गया है इंडियन रेगुलेशन में, 1 किलो से ऊपर लगे, 5 किलो तक जो एग्रीकल्चर में ड्रोन आते हैं, उन ड्रोन्स के लिए चाहे आप प्रोफेशनली यूज करते हैं चाहे आप पर्सनली यूज करते हैं, उसमें आपको लाइसेंस चाहिए ही चाहिए। उसमें ये मैटर नहीं करता कि आप सर्विस दे रहे हैं या अपने यूज, अपना यूज कब होगा वो, जब आपके खेत खलिहान है, आपने एग्रीकल्चर ड्रोन से खेत सींचना है, तो आप ऐसे ही नहीं उड़ा सकते उसको। जैसे आप ऐसे गाड़ी नहीं चला सकते सड़क पे, उसी तरह आप स्मॉल कैटेगरी का ड्रोन है, इंडस्ट्रियल ड्रोन है, उसको आप ऐसे ही नहीं उड़ा सकते। उसके लिए आपको उसकी परचेज करने के लिए भी आपको लाइसेंस लगाना पड़ेगा, तभी वो आपको मिलेगा, जो इंडियन वाले आ रहे हैं अभी। DJI के तो इंडस्ट्रियल ड्रोन अभी आने शुरू ही नहीं हुए, तो वो जब आएंगे, मतलब वो बन रहे हैं, इंडियन ड्रोन कंपनियां इंडस्ट्रियल ड्रोन बना रही हैं, और उनको खरीदने के लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता जरूरी है स्मॉल कैटेगरी। तो यही कुछ सिचुएशन है जहां पर आपको लाइसेंस चाहिए। तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ, नैनो ड्रोन के लिए ना रजिस्ट्रेशन चाहिए ना लाइसेंस चाहिए। नंबर 2, माइक्रो ड्रोन्स के लिए अगर आप पर्सनली यूज करते हैं तभी ड्रोन लाइसेंस नहीं चाहिए, अदरवाइज अगर आप प्रोफेशनली उसको यूज कर रहे हैं देन आपको ड्रोन लाइसेंस अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन चाहिए। बाकी इंडस्ट्रियल ड्रोन के लिए आपको ड्रोन लाइसेंस चाहिए ही चाहिए। तो यही सिचुएशन थी जहां पर आपको ड्रोन लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। और वो कहाँ से ले सकते हैं, काफी स्कूल्स, ड्रोन स्कूल्स खुल रहे हैं, मैंने उस पर वीडियो बनाया था, आप लिस्ट में देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। इसके अलावा फिर भी अगर चाहते हैं मैं दोबारा से वीडियो बनाऊं, प्लीज कमेंट ऑन द बॉक्स राइट। और होप आपको पसंद आएगा वीडियो, और कोई भी आपका सवाल, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी रिगार्डिंग ड्रोन्स और एनी टेक, क्योंकि इसमें मैं टेक भी डिस्कस करता हूँ, मोबाइल्स, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, एवरीथिंग, तो आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।